तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ में समारोह। ना तो मध्य प्रदेश में भी मतदान हुआ है, ना ही चुनावों के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन नकुलनाथ जो कि कमलनाथ के बेटे हैं, साथ ही छिंदवाड़ा से सांसद हैं, उन्होंने जनता को बता दिया कि कमलनाथ शपथ कब लेंगे। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब केवल 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। दोनों पार्टी बीजेपी कांग्रेस पुरजोर कोशिश कर रही है कि जीत उनको हासिल हो और दोनों ही पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। अब इसी कड़ी में एक कदम आगे चलते हुए नकुलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए बता दिया कि कमलनाथ शपथ किस दिन लेंगे, सरकार किस दिन गठित होगी। आपको बता दें कि नकुलनाथ ने कार्यक्रम में ऐलान किया कि केवल 17-18 दिन बचे हैं चुनाव में, 7 दिसंबर को भोपाल आना है, कमलनाथ के शपथ समारोह में जरूर आइएगा। तो नकुलनाथ ने बिना चुनाव हुए, बिना नतीजे आए ही शपथ समारोह में आने का न्योता छिंदवाड़ा की जनता को दे दिया है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ में समारोह। वही नकुलनाथ के इस बयान के सामने आने के बाद अब बीजेपी भी हमलावर हो गई। आपको बता दें कि इंदौर एक विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने नकुलनाथ के ऊपर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि नकुलनाथ पहले अपने पिता के 15 महीने के कार्यकाल को देखे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने 200 वादे किए लेकिन 9 वादे भी पूरे नहीं किए। 17 महीने कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, 900 वादे किए थे उन्होंने प्रदेश की जनता में, 9 वादे भी पूरे नहीं किए। नकुलनाथ जी, पहले अपने पिताजी के मुख्यमंत्री काल का इतिहास देख लीजिए आप, कि किसानों से कहा था कि नहीं कि सारा कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ किया क्या? बेरोजगार नौजवानों को 4,000 रुपये भत्ता देने की बात कही थी कि नहीं? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का सारा कर्ज माफ करने की बात कही थी कि नहीं कही थी? गुरु जी जितने भी जो शिक्षक हैं जो कि रेगुलर नहीं थे, अस्थायी थे, उनको रेगुलर करने की बात की थी कि नहीं की थी? ये सब काम, सब घोषणा कमलनाथ जी ने की थी। मध्य प्रदेश की जनता ने उनको टेस्ट कर लिया और रिजेक्ट कर दिया। फिलहाल नकुलनाथ का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इससे पहले भी बता दें कि बैतूल में नकुलनाथ कैबिनेट मंत्री किसे बनाएंगे इसकी घोषणा कर चुके हैं। वहीं अब शपथ ग्रहण समारोह का न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये नकुलनाथ का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद हमलावर है और नकुलनाथ का जो वीडियो है वो तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।